नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई, सिंपल टॉपिक है, ठीक है। बुक में लिखा होता है इट इज अ सेंसिटिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू विच वी कैन सी द वर्ल्ड, है ना। ऐसा कुछ लिखा होता है डेफिनेशन से। आई का काम क्या है? देखने के लिए काम आती है। यस सर ना। देखिए अभी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा आएगा वो साइड पिक्चर होगा अभी, ये वाला नहीं। सामने से जब आई को देखते हो आप लोग तो क्या दिखता है अभी आपको? ऐसा कुछ अरेंजमेंट है अभी? यस सर ना। देखिए फर्स्ट जो लेयर होती है अभी आई की वो ट्रांसपेरेंट होती है, इट इज कॉल्ड कॉर्निया। अभी क्या बोलते हैं उसको? कॉर्निया। इसी वजह से आई का स्ट्रक्चर होता है अभी एक बॉल टाइप, एग टाइप स्ट्रक्चर होता है आई का, ठीक है। गोल नहीं होती, थोड़ी सा फ्लैट होती है पीछे से। कर लोगे तो शेप बनता आई का, इट इज ड्यू टू कॉर्निया भी। और जब भी आप अपने आँख को दान करते हो किसी को तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। अभी आई का सिर्फ एक पार्ट कॉर्निया है जिसको हम जिसके डैमेज पार्ट को ठीक नहीं किया जा सकता अभी, बाकी हर पार्ट की आई को डैमेज पार्ट को ठीक किया जा सकता है कॉर्निया को छोड़ के। जब भी आप दान करते हैं तो कॉर्निया ही दान किया जाती है, पहला पार्ट फर्स्ट लेयर में। वैसे पहली लेयर यही है, बाई चांस आँख में कुछ नकुला लग चीज़ लग जाए आपकी आँख ठीक नहीं होगी, रिपेयर नहीं होगी, लेंस खराब हो जाए रिप्लेस हो जाएगा, रेटिना प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगा, और कोई दिक्कत तो ठीक हो जाएगा अभी, ठीक है। ये पार्ट ठीक नहीं हो सकता अभी, डैमेज होगी आँख का आपको। तो जब भी किसी की डेथ होती है तो उसका कॉर्निया निकल जाता है बाहर, क्योंकि ये काम आता है उसका फिर बाद में, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट पार्ट। कॉर्निया के तुरंत बाद भाई एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखती है आपको, उसको आइरिस बोलते हैं। गाजर काटी कभी? गाजर काटते उसका डिस्फॉर्म बनता है गाजर का, थोड़ी सी मोटाई बनती है, तो इसको बोलते हैं डायफ्राम स्ट्रक्चर। ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है, रिंग दिखता है एक तो थोड़ी मोटाई होती है इसके भी, इट इज़ कॉल्ड डायफ्राम स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड आयरिस। आपकी आँख का रंग इसकी वजह से होता है, आयरिस की वजह से। कर लोगे? आयरिस के बीच में एक डार्क डॉट होता है, ये आयरिस है, ये वाला पार्ट सारा जो आपको वाइट दिखता है ये कॉर्निया है। कर लोगे? ये वाला आयरिस, ये वाला जो डॉट बीच में जो बना हुआ है इसको बोलते हैं प्यूपिल भी। इस इनका काम क्या है? लाइट को एंटर करवाना भी आँख के अंदर, एक स्टेबल लाइट को भी। अगर लाइट कम हो ना तो पीपल क्या होता है? एक्सपेंड हो जाता है, ज़्यादा हो तो लाइट कंप्रेस हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सिकुड़ जाता है अभी। कर लोगे? ये वो दिक्कत पार्ट जो आपको दिखते हैं बाहर से भी, तीनों पार्ट हो जाएगा। इसके तुरंत बाद भी आई लेंस होता है अभी। कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम? कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो कौन सी इमेज बनेंगी, रियल की वर्चुअल भी? दोनों ही बन सकती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। देखो मेन प्रॉब्लम है भाई हमारा, कई बार बुक वाला क्वेश्चन पूछ लेता है एक कैमरे में और एक आई में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस है, सिर्फ ओनली वन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस बता सकते हो? देखिए हमारी पलकें होती हैं अभी, कैमरे का स्टर होता है भाई लेंस के ऊपर, वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे आँख में भी कॉन्वेक्स लेंस है, वहाँ पर रेटिना, वहाँ पर इमेज बनती है फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर भी, जो डालते हैं रोल इसको बोलते हैं पहले हम लोग, यहाँ पे इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। कर लोगे? फ़र्क क्या है? फ़र्क एक है, कैमरे के लेंस की फोकल लेंथ को चेंज नहीं किया जा सकता भाई, हाई की कर सकते हैं, क्योंकि आई का लेंस जो बना होता है वो फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स का होता है, वो आई का लेंस जो है वो फ्लेक्सिबल है, कैमरा लेंस फ्लेक्सिबल नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लेंस डाल के जूमिंग करते हैं हम उससे। देखा होगा? नहीं देखा? जूमिंग का ऑप्शन होता है तो कैमरा के पीछे होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जूमिंग कर सकते हैं। तो सिंपल आई में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सा है, जिनके पास बायो नहीं है बड़ा आसानी से टॉपिक को पढ़ पाएंगे, जिनके पास बायो है उनके आंखें खुल जाएंगी कि ये टॉपिक भी होता है भाई, जिसमें सिर्फ फिजिक्स है, बायो बायो के सिर्फ नाम नाम है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं इसका। मैं जो पिक्चर ले रहा हूँ साइड पिक्चर, अभी ये वाली लिखिए अभी क्लास। देखिए अभी इसमें क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको
फर्स्ट लेयर जो होती है हमारी, फर्स्ट जो आंख की ट्रांसपेरेंट लेयर है उसको कॉर्निया बोलते हैं भाई। मैं तीनों को यहीं पे दिखा रहा हूँ, ये वाला ये पार्ट है भाई, मैं बोल रहा था आपको जो ये व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखता है आपको, इट इज कॉर्निया भाई। उसके बाद एक जो डायफ्राम स्ट्रक्चर है रिंग टाइप स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयरिस बोलते हैं भाई। जो आँख का रंग होता है इसी वजह से होता है, उसके अंदर एक डार्क डॉट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल, मुस्कान, ठीक है। ये दे दियो वहां पर शॉप पर। तीनों का काम क्या भाई, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, टू एंटर द स्टेबल लाइट इन अवर आईज, टू एंटर द स्टेबल लाइट इन अवर आई। वैसे कॉर्निया क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, आयरिस क्या करता है, रंग प्रोवाइड करता है, पीपल क्या करता है, लाइट को एंटर करवाता है। कर लोगे, तीनों काम क्या है, टू एंटर द स्टेबल लाइट इन अवर आई। उसके बाद तुरंत बाद भी लेंस होता है, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस मेड बाय फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स भी, जिसकी फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है भी। किसने पकड़ रखा है इस लेंस को, सैलरी मसल्स ने पकड़ रखा है। ये काम किसका है, सैलरी मसल्स का, कि कितना फोकल लेंथ देना उसको भी। आपने कई बार फील किया हो आपका दिमाग दुखता भी, सिर दुख रहा होता भी, ये कब है कि आपकी सैलरी मसल्स पर स्ट्रेस गिर रही होती है, या तो काफ़ी नज़दीक से देखने से दिखता है या कम डिम लाइट में पढ़ने से दिखता है सिर्फ, या टीवी देखने से मोबाइल देखने से दिखता है भाई, या कुछ ना कर रहे तो भी दिखता है ना भाई, देखो तो भी रहे हो, कर लोगे तो। ये वजह हो कौन सी है, सिलेरी मसल्स क्या करती है, फोकल लेंथ प्रोवाइड करती है भाई आपको, आपकी आई लेंसेस को भी, कर लोगे। उसके बाद हमारे पास एक स्क्रीन है भाई जहाँ पे इमेज बनती है, इट इज कॉल्ड रेटिना भी, मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स भी। दो सेल का नाम दिया जाता है, कॉर्ड सेल और कॉर्न सेल्स भी, रोड सेल और कॉर्न सेल, सी फॉर कॉर्न सी फॉर कलर। कौन सेल रिस्पॉन्सिबल है रंग के लिए भी देखने के लिए, रोड सेल रिस्पॉन्सिबल है इंटेंस ट्यूब लाइट को देखने के लिए भी। इंटेंस ट्यूब लाइट कितनी आएगी ये कौन बताएगा, इस तीनों को, पहले तीनों को रोड सेल बताएंगे भी, बिग लाइट ज़्यादा आएगी भी, बंद हो जाओ। यस और नो, कर लोगे। इमेज कहाँ बननी है, रेटिना के ऊपर। जो इमेज बनेगी रेटिना क्या करेगी, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देगी भाई, और सिग्नल जाएंगे ब्रेन तक थ्रू द ऑप्टिकल नर्व्स भी, कर लोगे। जब इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो किस तरह की इमेज होगी भी, रियल है कि वर्चुअल है, रियल में तो उल्टी होती है, तो उल्टी दिखते हैं आपको। ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा करके दिखाता है उसी टाइम भी, कर लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसके अंदर देखिए अभी दो लिक्विड होते हैं, एक लिक्विड होता है वाटरी लाइक लिक्विड, पानी जैसा भी, वाटरी लाइक लिक्विड, इट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, इन बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस भी। और एक होता है विस्कस लाइक जेली टाइप लिक्विड भी, ट्रांसपेरेंट भी, इट इज कॉल्ड विट्रस फॉर विस्कस भी, विट्रस ह्यूमर। आपको लिखिए अभी, अब इनका लिक्विड का काम क्या है, क्लास लिक्विड का काम क्या है, ये बायोलॉजी का पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन काम क्या देखिए, इमेजिन कीजिए अभी, ये लिक्विड ना होते भी यहाँ पे एयर होती, यहाँ पे एयर होती, लाइट आ रही होती यहाँ से भी, एंटर किया मीडियम के अंदर, रेयर टू डेंसर में, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल्स भी, डेंसिटी टू रेयर में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स, रेयर टू डेंसर में, टुवर्ड द नॉर्मल्स, डेंसिटी टू रेयर में, अवे फ्रॉम द, लाइट का शेप ही होता अभी तो आपको ऐसे हेल्थी भी दिखती पिक्चर में। तो भगवान ने सोचा कि फीस लगा के भैया ऐसा करते हैं, एक ये रेडीमेड बनाते हैं, इस पूरा ही क्या बनाते हैं, इसको डेंसर बना देते हैं, तो क्या डाल दिया मैराक में, लिक्विड डाल दिए गए टू प्रोवाइड दैट स्टेबल डेंसर मीडियम टू द ह्यूमन आई भी। आई खत्म हो गई, यही है, लिखिए लिखिए। फर्स्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज ट्रांसपेरेंट, फर्स्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज ट्रांसपेरेंट, कॉल्ड कॉर्निया, कॉल्ड कॉर्निया, विच प्रोवाइड शेप टू द आई बोल। फर्स्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज ट्रांसपेरेंट, कॉल्ड कॉर्निया, विच प्रोवाइड शेप टू द आई बोल। हमारे यहाँ को एक शेप प्रोवाइड करता है, कर लोगे। हमारे यहाँ का बहुत कम पार्ट हमको दिखता है, बाकी पार्ट खोपड़ी के अंदर होता है, सेफ, कर लोगे। सेकंड लिखिएगा, आगे लिखिए इसमें, आफ्टर कॉर्निया देर इज ए
रिंग टाइप स्ट्रक्चर, देर इज ए रिंग टाइप स्ट्रक्चर और डायाफ्राम स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको कई बार, डायाफ्राम स्ट्रक्चर, रिंग टाइप स्ट्रक्चर और डायाफ्राम स्ट्रक्चर कॉल्ड प्यूपिल, सॉरी कॉल्ड आयरिस, कॉल्ड आयरिस। ओके भी आगे लिखिए, कलर ऑफ ह्यूमन आई, कलर ऑफ ह्यूमन आई इज ड्यू टू आयरिस भी, कलर ऑफ ह्यूमन आई इज ड्यू टू आयरिस। ये सारे एमसीक्यूज लिखवा रहा हूँ आपको मैं, समझ में आ रहा है, कलर ऑफ ह्यूमन आई इज ड्यू टू आयरिस। आगे लिखिए, आयरिस हैविंग ए डार्क डॉट, आयरिस हैविंग ए डार्क डॉट इन इट्स मिडल कॉल्ड प्यूपिल, कॉल्ड प्यूपिल। ओके, दे एंटर ए स्टेबल लाइट टू द ह्यूमन आई भी, दे एंटर लिखो, सही है, दे एंटर ए स्टेबल लाइट इन अवर आईज भी, देखो ना तीनों भी, कॉर्निया आयरिस पीपल, तीनों का मेन काम यही है भाई, कर लोगे इन अवर, या दे एंटर स्टेबल लाइट इन अवर आईज भी, ठीक है। आगे लिखिए भी, आई हैविंग ए, आगे लिखिए, आई हैविंग ए कन्वर्जिंग लेंस, आई हैविंग ए कन्वर्जिंग लेंस which is made by transparent flexible proteins, eye having a converging lens which is made by transparent flexible proteins। आगे लिखो, this lens is holded by sclerae muscles which provide a stable focal length to the human eye, which provide a stable focal length to the lens, लिखिएगा, कर लोगे, लेंस को एक focal length provide करने के लिए कौन सी होती है, sclerae muscles। देखो भाई क्लास, अगर आप पेन को देखोगे ना ऐसे, तो पीछे वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, ब्लर हो जाती हैं भाई, देख लो, ठीक है, पेन को देखोगे तो पीछे वाली चीज़ क्या हो जाएंगी, ब्लर हो जाएंगी, पीछे देखोगे तो पेन क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा भाई। ये काम किसका है, sclerae muscles का काम है, लेंस को कितना मोटा पतला करना है इसको देखने के लिए, जूमिंग इन जूमिंग आउट का ऑप्शन इसी में होता है अभी, कर लोगे। आगे लिखिए भाई, लिखिए, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना विच इज मेड बाई लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल। दो के नाम दे रखे बुक में, लिख दिया भाई, विच मेड बाई लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल, लिखिए रोड्स, RODS, रोड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रोड्स सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड Corn cell, C-O-N-E-S, is responsible for the colors. आगे लिखिए, a watery like liquid filled in between cornea and lens. ओके, आगे लिखिए, कॉल्ड एक्वस ह्यूमर भी, क्या नाम है इसका, एक्वस ह्यूमर, कॉल्ड एक्वस ह्यूमर,
एंड आगे लिखिए एंड ए जेली टाइप ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जेली टाइप ट्रांसपेरेंट लिक्विड फील्ड बिटवीन लेंस एंड रेटिना, फील्ड बिटवीन लेंस एंड रेटिना कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। जली देखी ना, खाई होगी जली, वो हिलती रहती है ऐसे, नहीं खाई उस तरह का, गाढ़ा पौधा थोड़ा सा कर लोगे। जली टाइप लिक्विड फील्ड बिटवीन लेंस एंड ए रेटिना कॉल्ड ए विट्रस ह्यूमर। आगे लिखिए दे प्रोवाइड स्टेबल डेंसर मीडियम, दे प्रोवाइड ए स्टेबल डेंसर मीडियम टू ह्यूमन आई। लिखिए नेक्स्ट, आगे लिखिए लाइन में ब्लाइंड स्पॉट इज ए मोस्ट इनसेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ब्लाइंड स्पॉट इज ए मोस्ट इनसेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। एक और होता है लिखिए येलो स्पॉट, ये एमसीक्यूज के पॉइंट है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ब्लाइंड स्पॉट इज ए मोस्ट इनसेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। आगे लिखिए येलो स्पॉट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, येलो स्पॉट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स भी पहला है अभी क्लास में, यस भी फर्स्ट डिफेक्ट है मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस भी। इस डिफेक्ट में क्या होता भी, हमको दूर की चीज़ें नहीं दिखती भी, ठीक है देख लीजिए। इन दिस डिफेक्ट वी कैन नॉट सी प्रॉपरली, इन दिस डिफेक्ट वी कैन नॉट सी प्रॉपरली लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स भी, वी कैन नॉट सी प्रॉपरली लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ये बार भैया ये बात बोलते हैं, लेकिन क्यों होते हैं इसका रीजन बार बार देते भी, रिफेक्ट का रीजन क्या है देख लीजिए। इन दिस डिफेक्ट, इसी में लिखिए इन दिस डिफेक्ट पावर ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज भी, इन दिस डिफेक्ट पावर ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज, इसमें पावर इंक्रीज हो जाती है आई लेंस की भी। इंक्रीज मतलब कौन सा लेंस आई के अंदर भी, कन्वर्जिंग लेंस है, तो बहुत जल्दी क्या करेगा कन्वर्ज करेगा भी उसको भी, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाएगी भी। सही है, देख लीजिए फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना भी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ओके देखिए ये आपकी ह्यूमन आई है, ये लेंस है भाई, रेज आ रही हैं ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लेंस आ रही हैं अभी। आफ्टर रिफ्रैक्शंस इमेज बननी चाहिए थी कहाँ पे भी, रेटिना पे, इट इज आईडेस। ओके बन कहाँ पे गई, पहले बन गई, जो पहले बनी को दिखाई देगी हमको भाई आई। किस वजह से हुआ है कि पावर की आपकी आँख की पावर बढ़ गई है भाई, ये भी डिफेक्ट है पावर बढ़ना भी, नॉर्मल विजन होना चाहिए आपका बिल्कुल भी, कर लोगे। अब प्रॉब्लम है इसको ठीक करना मेरे को, अभी कैसे ठीक करें, ऐसा लेंस लगाएं जो पावर को घटा दे इसकी पावर को, कैसी पॉसिबिलिटी है पावर घटेंगी भी, जब अनलाइक लेंसेज यूज करते पावर घटती थी भी, याद है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के अंदर भी जब हम अनलाइक लेंस यूज कर रहे होते हैं तो पावर क्या होती थी, घटती थी, याद है कि नहीं है। तो देखो अभी कैसे होगा, तो क्या यूज करें इसके लिए भी देख लीजिए। डायग्राम नहीं मत बनाना, अभी मत जुट रही है डायग्राम बनाने में। आगे लिखो टू रिमूव दिस डिफेक्ट वी कैन यूज कॉनकेव लेंस भी, टू रिमूव दिस डिफेक्ट वी कैन यूज कॉनकेव लेंस। देखो बनती कैसे भी, ये आपका आई लेंस है, यहाँ पे लगा दिया कॉनकेव लेंस भी, आँख से बाहर लगाया ना, आँख से बाहर लगाया होगे चश्मा। ओके अब देखो ये डायग्राम बना लिया तुम लोगों ने, जो अपने जो चश्मा ही पहना हुआ इसका काम क्या है एक्चुअल में भी, तो बीम्स आ रही हैं अभी, बीम तो आएंगी नहीं आएंगे, और ये कौन सा लेंस है अभी, कौन क्या डाइवर्जिंग लेंस है अभी, तो ये बीम्स को डाइवर्ज करेगा अभी, पक्की बात। अभी थोड़ा नजदीक कर लेते हैं इसको,
ये बीम्स को क्या करेगा, डाइवर्स। तो बीम्स है डाइवर्स, और कैसे जाएंगे? क्या सर ना, क्या आगे कहीं मिलेंगी बीम्स अगर रिलायंस ना हो तो? डाइवर्स कर रही हैं, यस और नो? अगर इनको पिच मिलाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे कहीं पे मिलती दिखाई देंगी मेरे को, यस और नो? ये क्या है, व्हाट इज दिस? अरे पहले लेंस का काम क्या हो गया तुमने, पे जो लेंस पहन रखा है आपने, 20 मीटर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा आपको भी, यस और नो? तो 20, ये लेंस क्या करता है, 20 मीटर के ऑब्जेक्ट को नजदीक करता है इमेजेस, या बनाता है उसकी इमेज। किसकी इमेज है ये, इस ऑब्जेक्ट की, समझ में आ रहा है? तो आपकी आई के लिए रेंज कहाँ से आ रही है, तो इससे आ रही है, आपको ये दिख रहा होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जो मैंने कॉम्बिनेशन में काम किए थे कि इसका ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा मेरे को, दिखाई दे रहा है मेरे को, ये दिख रहा है मेरे को, तो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये ऑब्जेक्ट है भाई हमारी आई के लिए, तो बीम्स कहाँ बनती है आंखें जाके, रेटिनास के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? जो आपने लेंस पहन रखा है, एक इमेज तैयार कर रहा है आपकी आई लेंसेज के लिए भी, जो आपको दिख रही है। यस मी क्लास, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं उसको। नाम से पता था फिजिक्स वाले उल्टे हैं भाई, इसमें स्मॉल का दिखता हमको, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते भी। लिख लीजिए हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइडनेस भी। लेकिन इन दिस डिफेक्ट वी कैन नॉट सी प्रॉपरली, इन दिस डिफेक्ट वी कैन नॉट सी प्रॉपरली स्मॉल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स भी। In this defect, power of eye lens is decreased. जब power decrease हो जाएगी, उसकी converging power कम हो जाएगी, तो दूर बनाएगा इमेज, yes or no? दूर बनाएगा तो retina से दूर बन जाएगी, so final image is formed. Away from the retina. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और ना? अब प्रॉब्लम क्या है भाई, इस डिफेक्ट को रिमूव करना हो तो पावर बढ़ानी पड़ेगी आई लेंस की भी। पावर कब बढ़ती है क्लास? जब लाइक लेंस यूज किए जाते हैं पावर बढ़ जाती है अभी। तो आंख में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स यूज करना पड़ेगा मेरे को, यस और ना? देखिए ये आपकी ह्यूमन आई है अभी, ये लेंस है अभी, ये बीम्स आ रही हैं, इसकी एबिलिटी, कन्वर्जिंग एबिलिटी कम हो गई है, तो इमेज कहाँ बनेगी? अवे फ्रॉम द रेटिना। कहाँ बननी चाहिए थी? रेटिना पे। तो इमेज आई डैश बनी हुई है, बननी कहाँ चाहिए थी? सॉरी आई डैश मान लेते। तो ये भी हमको दिखाई नहीं देगा अभी, स्क्रीन से दूर जा रही है इमेज, ओके? तो इसकी को इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? लिख दिया मैंने, वी आर यूजिंग कौन, लिख लीजिए, टू रिमूव दिस डिफेक्ट वी कैन यूज कॉन्वेक्स लेंस। कैसे करेंगे देखिए, ये आपकी आई है भी, आई लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। ये डायग्राम बनाओ एक बार पहले, तो किसका नहीं दिख रहा आपको ऑब्जेक्ट्स? नज़दीक ऑब्जेक्ट का नहीं दिख रहा, तो ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट माने तो नज़दीक ऑब्जेक्ट है ये कोई है, इसकी बीम्स आ रही हैं, ये हमको दिखाई दे रहा अभी, ठीक है? तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा भाई, डाइवर्जिंग है, यस और नो? कर लोगे, फिर ये और डाइवर्ज करेगा, बीम्स कहाँ बननी है? यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या आपको ये दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा भाई, ये सॉल्व कैसे कर दिया इस प्रॉब्लम को? ये मुड़ी हुई है थोड़ी, कम कर दी हम लोगों ने, यहाँ से मुड़ेंगे थोड़ी सी और स्टडी, तो इमेज ऐसे बनेगी यहाँ से,
इट इज आई डैश। समझ में आया? इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी जाके, और आपको ये दिखाई देगा अभी। कर लोगे हो जाएगा, ये जरूरत नहीं है करने की। चलो इतना ही रख दीजिए, इसको मत बनाओ, इतना बना लो। यस भी नेक्स्ट डिफेक्ट है, थर्ड डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। इसको ओल्ड साइट भी बोलते हैं, ओल्ड साइट। एक एज के बाद क्या होता है अभी, हमारी सैलरी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं अभी। एक डेफिनेट एज के बाद सैलरी मसल्स क्या होती हैं? कमज़ोर, जिसकी वजह से वो आई लेंस को एक स्टेबल फोकल लेंथ प्रोवाइड नहीं कर सकते अभी, जिसकी वजह से न तो हमको दूर का दिखता है ना हमको नज़दीक का दिखता प्रॉपरली भी। कर लोगे? उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं, बताऊँगा अभी क्या होता है। कर लोगे भाई? देख लीजिए, इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट वी कैन नॉट सी प्रॉपरली, वी कैन नॉट सी प्रॉपरली स्मॉल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी, एज वेल एज लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ओके, ये किस में होता है? ओल्ड एज लिखा हुआ, ओल्ड साइट्स। एक ओल्ड एज में होता है आपके, एक डेफिनेट एज में होता है, ओल्ड जो बूढ़ों को होता है ये डिजीज डिफेक्ट होती है उनको। ठीक है भाई, देख लीजिए, इट इज़ ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स भी, इट इज़ ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स। किस वजह से होती है सारा काम? ये सिलेरी मसल्स की वीकनेस की वजह से, सो दैट इट कैन नॉट प्रोवाइड, सो दैट इट कैन नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल फोकल लेंथ टू ह्यूमन आई या ह्यूमन आई लेंस। इट कैन नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल फोकल लेंथ टू ह्यूमन आई लेंस। हो जाएगा? आगे लिखिए, टू रिमूव दिस डिफेक्ट वी कैन यूज बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। देखा कभी चश्मे में ऐसा कुछ लेंस देखा है? ये नीचे वाला भी देखा है कि नहीं देखा? जब आपको दूर का देखना होता तो आप इस लेंस यूज करते हो। कौन सा लेंस होता है ये? कर लोगे? नजदीक का देखना हो तो इसको यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम बना सकते हो, दोनों लेंस डालते हैं एक साथ में। और भी डिफेक्ट तो हैं अभी, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हैं ऐसे तो बात नहीं है, लेकिन तीन बेसिकली हम मॉल तीन ही करते हैं। आपका आई पूरा हो गया अभी। क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए, ए पर्सन वियर ए ग्लास ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर Is the person short-sighted or long-sighted? आगे क्वेश्चन है, what is the far point of the person without glasses? What is the far point of person without glasses? Okay. पावर कितना भाई? पावर गिवन है -2.5 डायोप्टर, तो कौन सा लेंस पहना हुआ है उसने? कॉनकेव कौन वैक्स भी देख लो, कॉनकेव लेंस पहना हुआ है, तो कौन सा डिफेक्ट होगा इसमें? मायोपिया होगा उसको। यस और नो? तो शॉर्ट साइडनेस है कि लॉन्ग साइडनेस है? शॉर्ट साइडनेस है। कर लोगे पहला क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा। क्या पावर से फोकल लेंथ निकाल सकते हो? तो सिंपल है, पावर इज इक्वल टू 1/f कर दें, f इज इक्वल टू 1/p, सही है? तो कितना आएगा आंसर? 1/-2.5, ये मीटर में आएगा भाई आंसर। किस में आएगा? मीटर में, हम सेंटीमीटर में ले लिया जी इसको।
पर तुम चेंज कर लेते हैं एक बार, कितना आएगा भाई, कितना आंसर आएगा ये पाव एफ के इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा मीटर में आएगा ये, तो इसको 100 कर दूं यहाँ पे, ऐसा करते हैं, तो कितना आएगा माइनस 40 सेंटीमीटर्स भी, माइनस 40 सेंटीमीटर्स, ये फोकल लेंथ हो गया। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन विदाउट ग्लासेस भी, मतलब क्या इस बात का भी, देखो भाई आई में एक सिंपल सी चीज याद रखिए, आपको दिया जाएगा फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट भी। फार पॉइंट क्या कि दूर कितना दे सकता है, और नियर पॉइंट है और नज़दीक कितना दे सकता है, ये पता है क्या दे रहा है एक्चुअल में, ये इमेज का वैल्यू है भाई, डिस्टेंस ऑफ इमेज दी होती है आपको, समझ में आया कि नहीं आया, याद रखिए इस बात को कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस होगी भाई। मायोपिया उसको डिजीज है भाई, ठीक है, तो मायोपिया डिजीज है तो उसको कहाँ का देखना है, दूर का मतलब इन्फिनिटी का देखना है उसको, उसको दिख नहीं रहा विदाउट ग्लासेस, उसको दिख नहीं रहा भाई, सीधी सी बात है, ग्लास लगाने के बाद दिख रहा है, तो जहाँ पे ग्लास उसका इमेज बनाएगा उसको वहाँ तक का ही दिख रहा है सिर्फ, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, जहाँ पे वो चश्मा लगा के पहनेगा, जो चश्मा उसको इमेज बनाएगा उस तरफ उसको उतना ही दिख रहा है, अरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो दिखाई देगा उसको, दूर होगा तो दिखाई नहीं देगा भाई, तो चश्मा क्या कर रहा है उसका, उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ बना रहा है उसकी इमेज, वो तब उसकी आई देख पा रही है उसको। फार पॉइंट और नियर पॉइंट इज अ डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी, याद रखिए सब अच्छे से कर लोगे, आपको क्या दे रखा है एक्चुअल, क्या पूछ रखा है, वी पूछ रखा है आपसे, समझ में आई बात है कि वी, यू कितना है उसका, इन्फिनिटी है भाई, इस डिफेक्ट में कहाँ का देखना है मेरे को, इन्फिनिटी का देखना है, कर पाओगे तो फार्मूला क्या बनता है, 1/f = 1/v-1/u, कुछ नहीं है टॉपिक करने के लिए आपको, सिर्फ समझना है इस टॉपिक को, तो 1/v = 1/f + 1/u, सही है, एक मिनट v निकला ना मेरे को, 1/v = 1/f कितना है भाई, 1/-40, और ये जीरो हो गया भाई, 1/50 कितना होगा, जीरो भाई, तो सॉल्व कर लो इसको, v = -40 हो गया भाई, समझ में आया, इसको इतना ही दिख रहा है अभी विदाउट ग्लासेस, और ग्लास लगाने के बाद इसको इन्फिनिटी का दिख रहा है 40 सेंटीमीटर पे आके, समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पर्सन, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पर्सन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम, पावर ऑफ क्या लिखवा था मैंने, पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू रीड ए बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर, रीड ए बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, हो गया गर्ल्स गर्ल्स वानी भी लिखा नहीं क्यों है, ध्यान नहीं दे रहे भी, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पर्सन, नियर पॉइंट क्या ये वी दे रखा है, कितना है 50 सेंटीमीटर, प्लस लूं कि माइनस लूं, एक तो याद रखिएगा ये आपकी आंख है भी, ओके ये लेंसेज है कोई भी हो चाहिए, इमेज सारी इस तरह बन रही है अभी, चश्मे के उस तरह बन रही है मेरी सारी, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा था, तो सारे ने क्या होंगे माइनस क्यों होंगे, अरे समझ में आ रहा, जो चश्मा पहनेंगे ना आप, चश्मा पहनेंगे उसके इस तरफ जाएंगे इमेज सारी, ये इसके लिए बात कर रहे हैं लेंस की, तो उनको दिख रहा है इसके बाद क्या दिख रहा है हमको, तो वही दिख इमेज तो दिखाई देंगे, कर पाओगे तो सारी वैल्यूज क्या होंगी नेगेटिव होंगी, ये किसका है माइनस भी, और उसको क्या देखना भाई, एक बुक देखनी है जो कहाँ रखी गई है 25 सेंटीमीटर, यू दे रखा है आपको -25 सेंटीमीटर, यस और नो, तो सिंपल है भाई, फोकल लेंथ निकाल लो, 1/f = 1/v-1/u,
तो 1/-50 हो गया प्लस 1/25, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हुआ, क्या हुआ -25 लिया। बुक भी इस तरह रखोगे, इस तरह रखोगे तो उसमें यहाँ बनोगे, बुक भी यहीं पे होगी। यस और नो बता दो, तेरा भरोसा भी कौन भाई ना, बुक पर लाके दसवा पढ़ दे है ना भाई। हो गया तो कितना वैल्यू हुआ भाई, 1/25, 1/50 नहीं हो गया। अरे होगा कि नहीं होगा, पावर फोकल लेंथ कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर, मीटर में चाहिए तो 0.5 मीटर, तो पावर चाहिए तो 1/f, 1/0.5, टू डायप्टर। यस सर नो, पॉजिटिव। कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स फोकल लेंथ प्लस की भी कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन है भाई, रब कर दें। द फार पॉइंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए भाई जो मैं करवा रहा हूँ आपको मैं। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया पर्सन इज, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया पर्सन इज 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, इन फ्रंट ऑफ द आई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू अनेबल हिम, रिक्वायर्ड टू अनेबल हिम टू सी, अनेबल हिम टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, बुक में पता नहीं क्या क्या कर रखा है, ये तो नहीं करना हमको। क्या दे रखा है भाई आपको ये, व्हाट इज दिस, ये क्या है, फार पॉइंट है, फार पॉइंट कितना है, ये भी दे रखा है भाई माइनस 150। यू कितना है भाई, क्या उसको कौन सा डिफेक्ट है, मायोपी है भाई, उसको दूर का नहीं दिखता, कितनी दूर का नहीं दिखता उसको, इन्फिनिटी का नहीं दिखता भाई, ऑब्वियस बात है। कर लोगे तो निकाल लो, सिंपल बचता है क्या करने के लिए, कुछ भी नहीं बचा भाई। 1/∞ क्या होगा, जीरो हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू -1/150। सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व करने के बाद भाई इसको इन टर्म ऑफ पावर लिया हूँ भाई, पावर की टर्म में पावर तो हो गया ये 1/f है, फोकल तो निकाल लेना, निकाल पाओगे, 150 आ गया ठीक है। और इसको 100 ऐसा कर लिया 150, तो कितना है -0.67 डायप्टर कर पाओगे। देखो यहाँ पे दे नहीं रखा आपको, कांका देखना है ऑब्वियस, अभी मायोपिया तो कांका नहीं दिख रहा, उसको इन्फिनिटी का नहीं दिख रहा। ओके